नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज चैनल। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। उमरिया जिला मुख्यालय स्थित उमरार सिटी प्रेस महासम्मेलन युवा सम्मेलन कार्यक्रम मुख्य अतिथियों सहित जिला संगठन पदाधिकारियों की मौजूदगी में संपन्न हुआ, जहां शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान संगठन पदाधिकारियों के द्वारा उपस्थित अतिथियों का माल्यार्पण करते हुए उनका स्वागत किया गया। वही संगठन को मजबूत करने के लिए सभी वक्ताओं ने मंच के माध्यम से अपने अपने विचार को लोगों से साझा किया। वही आयोजित कार्यक्रम के दौरान अपने उद्बोधन में संगठन पदाधिकारियों ने बताया कि माननीय उमा शंकर गुप्ता के नेतृत्व में यह तय किया गया है कि पूरे प्रदेश की जिला इकाइयों में युवा जोड़ो अभियान कार्यक्रम के तहत लोगों को सक्रिय करके उन्हें जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। इसी के तहत संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा। वही आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश से लेकर संभागीय पदाधिकारियों सहित जिला इकाई के समस्त लोग उपस्थित रहे। रिपोर्टर शंकर सिंह उमरिया। जो हमारा मेन मोटिव था वैश्य महासम्मेलन द्वारा युवक और युवतियों को जोड़ना। आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो वैश्य महासम्मेलन किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आज हर गली मोहल्ले समाज प्रदेश जिले हर जगह आज वैश्य समाज चले जाइए तो एक अलग ही पहचान निकल गया हुआ है। तो हमने आज ये सोचा है कि हमारा गौरव है, समाज का गौरव है, हमें उसे बढ़ाना है। साथ ही साथ हमारे घर परिवार के जो युवक युवतियाँ हैं उनको जोड़ते हुए समाज को संगठन और धरोहर दर धरोहर पीढ़ी युवा जो अभियान के तहत यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारे वैश्य समाज की ओर से प्रदेश के 52 जिले 427 तहसीलों में अभियान चलाया जा रहा है और हमारा अभियान है मार्च माह में युवा जोड़ो अभियान चलाया जा रहा है। और हाँ, आज हम सब लोग मरिया में एकत्रित हुए हैं, इसके बाद हम शहडोल में सभा करेंगे। ऐसे ही हमारे 52 जिलों में यह कार्यक्रम मार्च माह में संपन्न हुआ है। वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश द्वारा पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में युवा सम्मेलन करने की योजना बनाई हुई है। इसी तारतम्य में आज हम लोगों ने उमरिया में युवा सम्मेलन कर रहे हैं। हमारा वैश्य महासम्मेलन पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में सभी 427 तहसीलों में और 24,000 ग्राम पंचायतों में 22,000 ग्राम पंचायतों पर हम लोग अपना चुनाव कर रहे हैं। ये पूर्णतः सामाजिक संगठन है। वैश्य समाज सेवा के कार्य को जाना जाता है। युवा इकाई यहाँ पे सम्मेलन हुआ है जिसमें हम शहरों से सब संभागी महिलाएं आए हैं और यहाँ की महिलाओं को और यहाँ के युवाओं को यहाँ की युवतियों को सक्रिय करने के लिए ताकि सक्रिय हो और हम फाउंडेशन की तरह इनके साथ है, हमेशा इनके साथ रहेंगे। संदेश देना चाह रहे हैं कि आज के युवा और जो युवतियाँ हैं जिनको पढ़ाई में जिनकी शादियों में जिनके बिजनेस में जिनकी सर्विस के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है, अगर युवा और युवतियाँ हमारे साथ जुड़ेंगी तो शायद उनके जुड़ने से ये जो मुसीबत है वो सब इसका हल। माननीय श्री उमा शंकर जी गुप्ता के नेतृत्व में मार्च माह में पूरे प्रदेश में यह तय हुआ कि हर जिला इकाई में हमारी बहनें और युवा जो 21 साल से 32 साल तक की उम्र के हैं उनको युवा जोड़ो अभियान के तहत इस संगठन से हमें सक्रिय करके जोड़ना है, जिससे कि आने वाले समय में हम संगठन को और मजबूत कर सकें और संगठन को संगठित कर सकें, हम समाज के सुख दुख में भागीदार बन सकें और साथ ही उनकी किसी भी प्रकार की समस्या में हम बरोबरी। युवा वैश्य सम्मेलन हम लोगों ने जिला उमरिया में आयोजित किया जिसपे सभी तहसील अध्यक्ष एवं वहां के सदस्य आमंत्रित थे और भारी संख्या में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। हमारा मेन उद्देश्य है कि युवा ही राष्ट्र की शक्ति है। यदि हम युवा एक हो जाएंगे तो हमारे वैश्य समाज को एक पहचान मिलेगी, क्योंकि अधिकतर हमारे वैश्य समाज की अवहेलना होती है, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे शासकीय हो, हमारी बात सुनी नहीं जाती क्योंकि हमें वर्णों के हिसाब से बांट दिया गया है। पर आज सबसे बड़ा संगठन यदि मध्य प्रदेश में है तो वैश्य महासम्मेलन है और युवा इसकी शक्ति है। हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि हम युवा जोड़ेंगे और अपनी शक्ति शासन को प्रशासन को दिखाएंगे। धन्यवाद। वैश्य महासम्मेलन की किरणें आज हर गली घर और दरवाजे से निकलकर शहर और प्रदेश को पार करते हुए देश के नक्शे पर अपनी चमक बिखेर रही हैं।
और उसी सिलसिले में आज यहाँ पर वैश्विक महासम्मेलन का युवा समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें युवाओं का आह्वान करते हुए उनसे वैश्विक महासम्मेलन की के लक्ष्यों को आगे ले जाने की बात कही गई है। एक निदा फाजली के शेर के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगी कि घर से मस्जिद बहुत दूर है, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए इंसान को हंसाया जाए। तो वैश्विक महासम्मेलन का यही लक्ष्य है और यही हमारा कर्तव्य है कि हम अपने समाज के गौरव को पहचानें और समाज के हर जरूरतमंद व्यक्ति की अपने तन मन और धन से सहायता करें। इसी लक्ष्य के साथ यहाँ पर हमने ये युवा समाज। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए GTV न्यूज चैनल के साथ।